Hello everyone, I am back with another video and today's topic is some important polymers. So this is the second part of addition polymers examples because we will discuss condensation polymers examples in this video. जितने examples आज discuss किए जाएंगे वो सारे condensation polymers के होंगे. Condensation polymers के बारे में हमने पढ़ा था पहले कि condensation polymers वो होते हैं जिसमें monomers मिलकर यानी कि monomers जुड़कर polymers तो बनाते हैं लेकिन साथ में कोई ना कोई छोटा molecule by product के form में भी निकालते हैं. तो आज के सारे एग्जांपल्स कंडेंसेशन पॉलीमर्स के ऊपर है. अब कंडेंसेशन पॉलीमर्स में भी कई सारी कैटेगरी होती है. जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा एक कैटेगरी में है पॉलीएस्टर्स. ऐसे ही पॉलीएस्टर्स के बाद हम पढ़ेंगे पॉलीअमाइड्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे फिनॉल फॉर्मलडिहाइड रेजिन, और भी कई तरीके की रेजिन पढ़ेंगे जिसमें एग्जाम्पल्स आते हैं बेकेलाइट के, नोवेलैक के, और पॉलीअमाइड्स में एग्जाम्पल आते हैं नाइलॉन 6 के, नाइलॉन 6-6 के. और भी कई तरीके की रेजिन पढ़ेंगे जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनती हैं. सबसे पहले देखते हैं पॉलीएस्टर्स. पॉलीएस्टर्स ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनमें एस्टर का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है. अब एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COO. ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल पॉलीएस्टर में क्या होता है वो है डेक्रॉन. डेक्रॉन इसका कॉमन नेम है. असल में जो पॉलीमर है वो पॉलीमर है पॉलीइथाइलिन टेरेप्थैलेट. टेरेप्थैलेट से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें एक मोनोमर तो टेरेप्थैलिक एसिड होगा ही होगा. उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है माइलर. क्या लिखा है? माइलर या फिर मिलर. तो जब हम मार्केट में जाते हैं तो जो डेक्रॉन होता है उसका मार्केट का जो नेम है वो है मिलर. जो हमारी डेक्रॉन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल फाइबर है यानी कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आती है जो डेक्रॉन होती है. तो इसके जो मोनोमर्स होते हैं, मोनोमर्स है ग्लाइकॉल और टेरेप्थैलिक एसिड. ग्लाइकॉल पर्टिकुलरली हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल है जो हमने यहाँ पर यूज किया है. इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरेप्थैलिक एसिड दो मोनोमर्स हैं इसके, तो इसलिए इन दोनों को क्या कहेंगे? कोपॉलीमर्स. और ये पॉलीमर कैसा है? हेट्रोपॉलीमर. क्यों? क्योंकि इसके जो मोनोमर्स है वो दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं. मोनोमर्स हो गए इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरेप्थैलिक एसिड. अब ये है स्ट्रक्चर टेरेप्थैलिक एसिड का और ये है स्ट्रक्चर इथाइलिन ग्लाइकॉल का. इथाइलिन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर होता है यानी कि फॉर्मूला होता है CH2OH एंड CH2OH. टेरेप्थैलिक एसिड को आप कैसे याद करोगे? कि टेरेप्थैलिक एसिड बेंजीन में जब हम दो अपोजिट पोजीशन पर COOH लगा देते हैं यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देते हैं तब हमारा टेरेप्थैलिक एसिड बनता है. तो देखो ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर. बेंजीन में हमने दो अपोजिट पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप लगाया है तब हमारा ये बना है टेरेप्थैलिक एसिड. ये है हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल CH2OH CH2OH. इन दोनों का कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा यानी कि कुछ ना कुछ छोटा मॉलिक्यूल निकलेगा, है ना. तो इसमें क्या निकलेगा? इसका OH और इसका H मिलकर पानी की फॉर्म में मॉलिक्यूल को निकालेंगे और उसके बाद जो ये और ये कार्बन आपको दिख रहा है ये इस ऑक्सीजन की वजह से आपस में जुड़ जाएंगे. तो पॉलीमर क्या बना? COO बेंजीन रिंग, फिर COO CH2CH2O यानी कि ये वाला जो O होगा वो आगे और उससे जुड़ा होगा मॉलिक्यूल से और ये जो कार्बन है वो आगे और मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा. तो ये हमारा बना डेक्रॉन. किससे बना? ग्लाइकॉल और टेरेप्थैलिक एसिड के पॉलीमराइजेशन से. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रेजिन है वो है एल्किल रेजिन. एल्किल रेजिन का असल नाम है पॉलीइथाइलिन थैलेट. अब थैलेट से आपको समझ आ रहा होगा कि एक मोनोमर तो थैलिक एसिड होगा ही. अब टेरेप्थैलिक एसिड में हमने देखा कि जो टेरेप्थैलिक एसिड है उसमें बेंजीन के दो अपोजिट पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है.
तो थैलिक एसिड क्या होता है? थैलिक एसिड में दो एडजेसेंट पोजीशन यानी कि दो बराबर बराबर पोजीशन पर COOH लगा हुआ होता है। अब पार्टिकुलरली हमने जो इसमें मोनोमर लिया है वो एक तो वही है इथाइलिन ग्लाइकॉल है, लेकिन जो थैलिक एसिड है उसे हमने डायरेक्टली ना लेके थैलिक एसिड का एनहाइड्राइड लिया है। तो हमने इसके मोनोमर में क्या क्या लिया, एक लिया हमने इथाइलिन ग्लाइकॉल और दूसरा लिया हमने थैलिक एनहाइड्राइड। अब देखो हमने पढ़ा कि जो थैलिक एसिड है उसमें बेंजीन की एडजेसेंट पोजीशन पर लगा होता है COOH। अब हम कह रहे हैं कि हमें बनाना है एनहाइड्राइड, ठीक है, तो जो एनहाइड्राइड होता है उसमें COOO और CO का होता है फंक्शनल ग्रुप। मैं लिख के बता देती हूँ, जैसे ये है C डबल बॉन्ड O, फिर बीच में एक O और फिर C डबल बॉन्ड O, ये होता है फंक्शनल ग्रुप एनहाइड्राइड का। तो देखो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है थैलिक एनहाइड्राइड, इसकी हमने पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कराई है इथाइलिन ग्लाइकॉल से, और जब हमने इसका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराया तब हमारा बना एल्किल रेजिन यानी कि पॉली इथाइलिन थैलेट। इसमें भी किसका रिमूवल हुआ होगा, एक छोटे मॉलिक्यूल का एज अ बाई प्रोडक्ट जो कि है यहाँ पर भी पानी का मॉलिक्यूल। इसके बाद हम देखेंगे पॉलीअमाइड्स के बारे में। तो पॉलीअमाइड्स में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है नायलॉन 6, नायलॉन 66 एंड नायलॉन 610। अब नायलॉन 6 और ये जो नाम है नायलॉन 66, नायलॉन 610, ये किस बेसिस पे रखे गए हैं इसकी भी एक पहचान है। उससे पहले हम समझते हैं कि पॉलीअमाइड्स जो कैटेगरी है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा यानी कि ऐसे पॉलीमर्स जिनमें COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा वो सारे पॉलीमर्स को हम रखेंगे पॉलीअमाइड्स की कैटेगरी में। सबसे पहले देखते हैं नायलॉन 6। नायलॉन 6 एक इम्पॉर्टेंट पॉलीमर है, क्यों? क्योंकि जो इसका ये है मोनोमर है वो इम्पॉर्टेंट है। उसकी खासियत क्या है? उसकी खासियत ये है कि वो एसिडिक कंडीशन में आकर खुद को, मतलब खुद की रिंग को एक्सट्रैक्ट कर देता है, खोल देता है, एक्सपेंड कर देता है, जिसके पॉलीमराइजेशन से बनता है हमारा पॉलीमर। अब मोनोमर है क्या? तो नायलॉन 6 का मोनोमर है कैप्रोलैक्टम। क्या है? कैप्रोलैक्टम। तो कैप्रोलैक्टम क्या करता है? कैप्रोलैक्टम एक 6 कार्बन की रिंग है जिसमें एक नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। तो ये जो कैप्रोलैक्टम है ये एसिडिक कंडीशन में आकर अपनी रिंग को खोल देता है और उसी रिंग को, मतलब जैसे अब ये कंपाउंड बना खुलने के बाद, तो यही कंपाउंड पॉलीमराइजेशन के बाद देता है वो एक पॉलीमर जो कहलाता है नायलॉन 6। अब नायलॉन 6 इसे किस नाम से कहा गया है? ये जो नाम रखे गए हैं 6, 6, 6, 10 या केवल 6, ये रखे गए हैं कार्बन के नंबर के बेसिस पर। मतलब आप इजीली इनको याद इस तरीके से कर सकते हो कि इतने कार्बन इसमें आ रहे हैं इसलिए इसका नाम ये होगा। कहने का मतलब है कि अगर नायलॉन 6 में आपको याद नहीं आ रहा हो कि कितने कार्बन होंगे तो 6 कार्बन होंगे। कैसे? देखो ये वाला नायलॉन 6 ये है इसकी बेसिक यूनिट, तो इसमें कितने कार्बन है? 5 यहाँ पर है और एक कहाँ पर है? यहाँ पर। तो कितने कार्बन इंक्लूड हुए? 6 कार्बन। इसी तरीके से जब हम नायलॉन 6 को देखेंगे तो उसमें देखो कितने कार्बन है, यहाँ पर है 6, ठीक है, तो 1 6 आ गया। यहाँ पर कितने हैं? 4, 5 और 6, तो फिर से आ गया 1 और 6। तो नायलॉन 6 की मोनोमर यूनिट में 6 6 कार्बन है इसलिए उसका नाम नायलॉन 6 पड़ा। अब नायलॉन 6 में मोनोमर क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट बात है। तो नायलॉन 6 में मोनोमर है हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड, ये आपको याद रखने हैं। अक्सर क्वेश्चन इसी पे आते हैं कि इन तीन कंपाउंड के, इन तीन पॉलीमर्स के मोनोमर्स क्या है, स्पेशली नायलॉन 6 का कई बार पूछा जाता है। तो नायलॉन 6 का पॉलीमर है कैप्रोलैक्टम। नायलॉन 6 में देखें तो मोनोमर क्या है? हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और एडिपिक एसिड। हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, अब देखो हेक्सा से हमें समझ आ रहा है
CH2 कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स है। और 6 के लिए क्या यूज करते हैं? हेक्सा। ऐसे ही क्या लिखा हुआ है? डाई अमीन। तो इधर भी NH2, इधर भी NH2, यानी कि दो अमीन के ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद है एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH2 होल 4 और दोनों साइड COOH। होगा क्या? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, हमें पता है कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट निकलेगा। अब यहाँ पर क्या निकल रहा है? यहाँ पर भी पानी निकलेगा। अब देखो इसमें दो एच है, इसका एक एच और ये वाला ओ एच मिलकर निकाल सकते हैं पानी। अगर मैं इसे एक एच यहाँ पे लिख दूं, जैसे एक एच और एक एच, तो ये एच और ओ एच मिलकर निकाल सकते हैं पानी। उसके बाद ये वाला N जुड़ जाएगा इस वाले C से और कौन सा फंक्शनल ग्रुप बना? अमाइड वाला फंक्शनल ग्रुप बना। तो इसलिए ये जो हमारा मोनोमर बना वो बना नाइलॉन 6-6। और कैसा पॉलीमर बना ये? ये बना कंडेंसेशन पॉलीमर। क्यों? क्योंकि हमने देखा इसमें एक मॉलिक्यूल पानी का निकल रहा है। अब आप ये मत समझना कि पूरी प्रोसेस में एक ही मॉलिक्यूल निकलेगा, नहीं, क्योंकि हम N नंबर्स ऑफ मोनोमर लेंगे तो N मॉलिक्यूल्स ही हमारे निकलेंगे पानी के। फिर अगला एग्जांपल है पॉलीअमाइड में नायलॉन 6-10 का। तो इसका मोनोमर है, सिमिलर है सब लोग, मतलब सब में जो प्रोसेस है वो सिमिलर है। तो इसका जो मोनोमर है वो क्या है? हेक्सामिथाइलिन डायमीन और 110 डेकन डायोइक एसिड। तो ये रहा हमारा हेक्सामिथाइलिन डायमीन और ये है हमारा डेकन डायोइक एसिड। डेका वर्ड किसके लिए आता है? 10 के लिए। तो देखो 8, 9 और 10 कितने कार्बन है? टोटल 10। और यहाँ पर हेक्सामिथाइलिन डायमीन में कितने हैं? 6। इसलिए यहाँ से आया 6, यहाँ से आया 10। तो इसका नाम बढ़ गया नाइलॉन 6-10। फिर क्या हुआ? यहाँ से भी वही सेम कि दो एच है तो एक एच और एक ओ एच मिलकर पानी निकाल सकते हैं और ये एन एच और सी यू आपस में जुड़ गए और ये पॉलीमर बन गया हमारा नाइलॉन 6-10। और कौन सी कैटेगरी का बना? पॉलीअमाइड का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी ये NHCO ग्रुप है, यहाँ पर भी NHCO ग्रुप है और यहाँ पर भी NHCO ग्रुप है। अब देखते हैं अगली कैटेगरी कौन सी। तो ये है हमारी तीसरी तरह की कैटेगरी जिसमें हमने इंक्लूड किया है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन को। अब फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, इसके नाम से पता चल रहा है कि फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के बीच होगी रिएक्शन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बैकेलाइट। बैकेलाइट को हमने इस कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि इसमें हमने फिनॉल की रिएक्शन कराई है फॉर्मल्डिहाइड से। और नोवलैक को भी हमने इस कैटेगरी में इसलिए ही रखा है क्योंकि इसमें भी हमने फिनॉल की रिएक्शन कराई है फॉर्मल्डिहाइड से। फर्क बस दोनों में इतना है कि बैकेलाइट में हमारे जो मोनोमर्स हैं फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, उसमें एक्सेस किसकी है? फॉर्मल्डिहाइड की। और नोवलैक में जो एक्सेस है वो है फिनॉल की, यानी कि एक्सेस मतलब अधिक अधिक मात्रा। तो नोवलैक में फिनॉल की हमने अधिक मात्रा ली है और बैकेलाइट में हमने फॉर्मल्डिहाइड की अधिक मात्रा ली है। तो असल में होता क्या है, जब फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनता है। या तो CH2OH ऑर्थो पोजीशन पर आता है या फिर आता है पैरा पोजीशन पर। यानी कि पैरा पोजीशन पर अगर आया होगा तो कैसे बना होगा? ये है OH और यहाँ पैरा पोजीशन पर आया होगा CH2OH। अब हुआ क्या है, बैकेलाइट की फॉर्मेशन में हमें बेस की प्रेजेंस जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि जब फिनॉल और एक्सेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड को हम रिएक्ट कराते हैं तब हमें हीट करना होता है बेस की प्रेजेंस में। और नोवलैक में हमें जरूरत होती है एसिडिक कंडीशन की। नोवलैक का स्ट्रक्चर है इस तरीके से। अब क्या होता है, दोनों ही बैकेलाइट और नोवलैक में चेन स्ट्रक्चर होता है, चेन पॉलीमराइजेशन होता है, यानी कि चेन्स बनती रहती हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होकर। तो ये है हमारा बैकेलाइट का स्ट्रक्चर, बैकेलाइट पॉलीमर, और ये है हमारा नोवलैक पॉलीमर। हमारी अगली कैटेगरी है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन की। इसका फेमस नाम है मेलमेक, ये मेलमेक नाम से बहुत फेमस है। इसके मोनोमर्स होते हैं मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड। अब मेलामाइन प्रिपेयर करने के लिए हमने ये रिएक्शन लिखी हुई है, लेकिन जो मेलामाइन है वो दो तरीके से प्रिपेयर हो सकती है। या तो हम उसे कैल्शियम कार्बाइड की मदद से प्रिपेयर करें या फिर हम उसे यूरिया की मदद से भी प्रिपेयर
कर सकते हैं। जब हम कैल्शियम कार्बाइड की मदद से मेलामाइन बनाते हैं, सबसे पहले हम उसकी रिएक्शन N2 से कराते हैं और हीट करते हैं, जिससे बनता है CaNCN। फिर डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में हम इससे बनाते हैं H2NCN और फिर उसे हीट करते हैं कुछ प्रेशर पे, तब हमें मिलता है मेलामाइन। मेलामाइन का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, आप इसे देख के घबराइएगा मत। क्या है कि जैसे हमने एक बेंजीन रिंग बनाई, तो बेंजीन रिंग में तीन कोनों पर तो आ गया N और जो तीन खाली कोने बचेंगे उस पे लगा देंगे हम NH2, तो ये बनेगा हमारा मेलामाइन। अब मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बनाने के लिए इस मेलामाइन की रिएक्शन हमें करानी पड़ेगी फॉर्मल्डिहाइड से। तो ये रहा फॉर्मल्डिहाइड HCHO, इसकी रिएक्शन कराई हमने मेलामाइन से। रिएक्शन से यहाँ मतलब है पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन जब हमने कराया तो हर NH2 के साथ, ये जो तीन NH2 लग रहे हैं, हर NH2 के साथ एक CH2 जुड़ गया और साथ में क्या निकला होगा, पानी। अब देखो पानी कैसे निकला होगा, इसका एक H और इसका OH मिलके H2O बना के निकला होगा, इसलिए जो NH बचा और जो CH बचा वो आपस में जुड़ गए। अब ये तीनों NH2 पर इसी तरीके से हमारा हो गया है, जुड़ गया है फॉर्मल्डिहाइड का। उसके बाद इससे बना हमारा मेलमेक। अब ये तो हमने कैल्शियम कार्बाइड से बनाया था मेलामाइन को, अब हम बनाएंगे यूरिया से मेलामाइन को। तो हमने यूरिया के 6 मॉलिक्यूल्स लिए, उसे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने किया हीट और कुछ प्रेशर पे करा हमने उसे हीट, तब हमारा बना मेलामाइन। यानी कि अगर हम 6 मॉलिक्यूल्स यूरिया के लेंगे तो वो रिंग स्ट्रक्चर में खुद को ट्रांसफर कर लेंगे और उससे बन जाएगा हमारा मेलामाइन। साथ में बने 6 मॉलिक्यूल अमोनिया के और 3 CO2 के मॉलिक्यूल। तो मेलामाइन चाहे हम इस रिएक्शन से बना सकते हैं, इस मेथड से बना सकते हैं, चाहे हम यूरिया से बना सकते हैं, जहां से भी मेलामाइन इजी पड़े। मेलामाइन हमने बना लिया और फिर उसकी रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से करा के हमने पॉलीमर बनाया मेलमेक। इसके बाद देखते हैं हमारा आखिरी तरीके का पॉलीमर, हमारा लास्ट पॉलीमर है, लास्ट कैटेगरी है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन की। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यूरिया की रिएक्शन हो रही है फॉर्मल्डिहाइड से और जिससे बन रहा है हमारा पॉलीमर। अब इसमें क्या होता है, जो यूरिया है यानी कि NH2CO NH2 है, वो फॉर्मल्डिहाइड से दो तरीके से रिएक्ट करता है। जब एक मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्ट कराएंगे यूरिया से, तब बनेगी ये चीज, और जब हम दो मॉलिक्यूल लेंगे फॉर्मल्डिहाइड के, तब बनेगा ये कंपाउंड। अब ये जो हमारे दो कंपाउंड्स बन रहे हैं, ये आपस में लीनियर पॉलीमर बनाएंगे, आपस में ऐड होकर कंडेंस होकर एक लीनियर चेन बनाएंगे पॉलीमर की, जो कहलाएगा यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। इन दोनों ने आपस में ऐड होकर आपस में एक लीनियर चेन बनाई पॉलीमर की और जो मिलकर बना यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो ये थे हमारे 5 तरीके के कंडेंसेशन पॉलीमर्स और उनके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स। आई होप आपको सब समझ आया होगा। आपको जो भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।